विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को आउ मात्र 7 दिन बाकी थिबा बेले आज नीलाद्री भक्त निवास रे गजपति महाराज दिव्य सिंह देवों अध्यक्षतार बसिथिबा परिचालना कमिटी बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति 2023-24 आर्थिक वर्ष पई पूर्णकालीन बजेट पारित होता बेले आयर सूत्र बढ़ावा उपर गुरुत्व दीजिए रथयात्रा को व्यवस्थित और श्रृंखलित भाव शेष करने को आलोचना होई आज बसिथिबा परिचालना कमिटी बैठक में 2023-24 आर्थिक वर्ष पई मोट 271.7 कोटी टंकार बजेट पारित हो खर्च अटक रही 261.16 कोटी टंका यूनिफॉर्म पॉलिसी रे श्रीमंदिर जमी जमा बिक्री करी आय वृद्धि सह राज्य रे थिबा 200 रु अधिक पथर खणी ऑनलाइन व्यवस्था रे फोन पे और पेटीएम सह अनुबंधित करा जाई क्यूआर कोड स्कैन रो व्यवस्था करा जिवो सेहीपरि अधिक हुंडी स्थापन करा जाई श्रीमंदिर आय वृद्धि उपरे गुरुत्व दिया जिवो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रंजन दास सूचना देछंती सेहीपरि रथयात्रा को श्रृंखलित व्यवस्थित करबा को गुरुत्व दिया जाई गत वर्ष रथयात्रा रे होइथिबा त्रुटि विचुति को सुधारी श्रृंखला को एडेबा पई पदक्षेप निया जाईथिबा से सूचना देछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक आगत करथिबा बजेट रे सेवायतक परिवार रो सदस्य 5 कोटी टंकार स्वास्थ्य बीमा सेवक आवास योजन 350 कोटी श्रीमंदिर आदर्श गुरुकूल 5 कोटी कर्पस फंड 50 कोटी टंका जमा करा जिवो विभिन्न जिले रे थिबा खणीरु 30 कोटी हुंडी ओ डोनेशन बाबदरे 36 कोटी कर्पस फंड सुधरु 60 कोटी टंका ओ जमी अधिग्रहण ओ जमी बिक्री बटा बाबदरे 50 कोटी टंका आय करा जाइछि रथयात्रा पूर्वरु श्रीमंदिर यात्री परिक्रमा प्रकल्प सारिबा एक प्रमुख चैलेंज थिबा बेले एबे सुधा बाह्य परिक्रमा प्रकल्प कार्य 2 दिन भितरे शेष हेब तेबे बाह्य परिक्रमा प्रकल्पर 6 मीटर परिधि मध्यरे भक्त ओ सेवायतक प्रवेश नै व्यवस्था होइछि तेबे एहा द्वारा रथयात्रा समय रे असुविधा सृष्टि होइ पारे बोली श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य पश्चिम दक्षिण और उत्तर द्वारा कार्य शेष नहीं प्रतिश्रुति दि जाइले एने सन्देह सृष्टि करना कमिटर सदस्य तेज आसंता 15 तारीख सुधा भक्तों पर तथा श्रद्धालुओं पर सर्वनिम्न सुविधा शेष कर हस्तांतर होनुमोदित बजेट्रे सेवक आवास योजना आदर्श गुरुकूल रथयात्रा खर्च को प्राथमिकता दि जाइए अनुष्ठित परिचालना कमिटी बैठक में गजपति महाराजा दिव्य सिंहदेव अध्यक्षता करी जिलापा एसपी परिचा कमिटर समस्त सदस्य और श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी माने सामिल होइथिले आगामी रथयात्रा रे आमे साइड रु ड्रोन पाई पे रेगुलेटरी गाइडलाइन जारी करा हैछि हमरा नोटिस को आछि के बहुत ही जगह रे इनएक्सपीरियंस्ड और अनऑथराइज्ड जो किछि ड्रोन ऑपरेट करछंती ता पाखरे किछि वैलिड डॉक्यूमेंट ना थाए तांकर पाई आमे साइड रु एडवाइजरी जारी करा हैछि ए टाइम रे ओनली ऑथराइज्ड जो पर्सनल असंती जहां पाखरे सब वैलिड डॉक्यूमेंट अच्छंती ता भितरे UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर थाए DGCA रा अलगा गाइडलाइन थाए से माने को ही ड्रोन ऑपरेट करिवा पई अलाउ करा जीवो और अगर हमरा नोटिस रे आसला के इलीगल या अनऑथराइज्ड या इनएक्सपीरियंस्ड जहाँ पाखरे लाइसेंस नहीं से माने ड्रोन ऑपरेट करछंती तो ता अगेंस्ट हमें लीगल एक्शन निया जीवो एटा डिवोटीज रा सेफ्टी को ध्यान रे रखी करा है जी और पुरी रे श्री मंदिर रा एरिया जो अच्छी से रेड जोन रे अच्छी और ता भितरे ड्रोन उड़ाइबा पई पूरा मनाही अच्छी किछि दिन तले अपन देखिथेबे के जने यूट्यूबर ड्रोन गाइडलाइन वायलेशन रे अरेस्ट भी हेतिले तो मु समस्त को अपील करीबी के जो जो ड्रोन ऑपरेटर जो चाहू चंती से माने सिंगल विंडो सिस्टम करा है छी आमा ऑफिस रे करा है छी जिलापाल ऑफिस रे करा है छी नोडल ऑफिसर और मोबाइल नंबर भी जो काली हमें एडवाइजरी इश्यू करले सेठी अच्छी से माने जोगाजोग करिवे और उनस रही वो ड्रोन ऑपरेटर रे अगर हमरा नोटिस रे किछि आसला अनऑथराइज्ड या इलीगल ड्रोन ऑपरेटर ता पाई में गोटे हेल्पलाइन नंबर हमरा जारी करा है छी जो जहाँ पाखरे किसी कंप्लेन अच्छी या क्वेरी अच्छी से हेल्पलाइन नंबर को कही पारे ता उपरे हमें स्टर्न लीगल एक्शन ने ड्रोन रा हमरा बेसिक गाइडलाइन जो अच्छी के को भी ए प्रकार रा अलाउ करिबा नहीं जोठी चैरियट रा सेफ्टी या डिवोटीज रा सेफ्टी को किसी सस्पिशियस या किसी एप्रिहेंशन हो पारे ता अनुसार गाइडलाइन इश्यू करा है सिंगल विंडो सिस्टम को चेक करके डॉक्यूमेंट चेक करला परे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड अच्छा से माने को अलाउ करा जीवो और अपन माध्यम रे मु समस्त को अपील भी करी भी जो माने टिके चिंता करछंती ड्रोन ऑपरेट करिवा पाई से माने भी ड्रोन रा गाइडलाइन देखिबा कथा इंटरनेट वेबसाइट रे सब अच्छी DGCA गाइडलाइन देखिबा कथा और इंश्योर करिवा कथा के को भी साइड रो को प्रकार रा गाइडलाइन वायलेशन होबो नहीं सेटा हमें अलाउ भी करिवो नहीं सर केते तारीख और ए रिस्ट्रिक्शन दबो नहीं रिस्ट्रिक्शन हमारा जो पर्यंत हमारा डिवोटीज पूरी रे बे बढ़ी जाई छी तो एबेरु ही हमारा लागू होबो बट चूंकि हमें गोटे टाइमलाइन देवार अच्छी तो हमें जो हमारा नवजवन दर्शन थारू जो नीलाद्री विजय पर्यंत हमें ताको स्टर्नली इन्फोर्स करिबो एबे भी हमारा से गाइडलाइन
एज पर एडवाइजरी एबे भी एनफोर्समेंट रे अछि टाइम रे हमें ए स्टेप नेउछु हमें ड्रोन माध्यम रे हमें क्राउड डेंसिटी को हमें मॉनिटर करिवो कि कु जगह रे क्राउड हमें टिकी बेसी हमें फील करूछु और सेटा हमें कंट्रोल रूम रो संगे संगे हमें रिले होबो और फर्दर रीइन्फोर्समेंट पठाइबार अछि तो सेटा हमें करिवो। सेकंडली हमें ड्रोन जो पूरी रा एंट्री पॉइंट्स जो अछंती सेटु ट्रैफिक मूवमेंट को भी देखिवा को हमें करिवो जो जगह रे टिकी हमें फील करूछु कि बॉटल नेक रे अधिक ट्रैफिक डेंसिटी हे जाइछि या जाम होबा को जाउछि तारा एडवांस्ड जो पिक्चर हमें ड्रोन माध्यम रो पाइबो हमें आशा करछु कि सेटा जो ग्राउंड लेवल रे ऑफिसर अछंती ताको से माने सप्लीमेंट करिवो और सेठी हमें रीइन्फोर्समेंट हो किछि गाड़ी खराब हे जाइछि व्हीकल जाम हे जाइछि तो क्रेन मूवमेंट करा हो सेटा हमें यूज करिवो। ता छड़ा बीच रे भी हमें टाइम रे अलोंग विथ सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑगमेंटेड फायर पर्सोनल डिप्लॉयमेंट वॉलंटियर्स डिप्लॉयमेंट ड्रोनिंग प्रिवेंशन स्क्वाड डिप्लॉयमेंट करला एडिशनल रे हमें बीच रे भी ड्रोन रा यूटिलाइजेशन फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करी। मंदिर परिचालन कमिटी बैठक रे 2023-24 मसिया रो बजेट उपस्थापन करा जाइछे एवं ता गृहीत मध्ये होइछे एथरे हमर चलित वर्षर आय रखा जाइछे 271.07 कोटी टंका एवं एथरे खर्च दाबी रखा जाइछे 262 कोटी एवं 16 लक्ष टंका तेणु आम पाखे फिस्काल सरप्लस जोड़ा बड़का बजेट रे 8.91 कोटी टंका आम हाथ सरप्लस रहिबो चलित वर्षर बजेट रे एवं एथरे मुख्यतः आय रे रहिछे हमर क्वेरी विभिन्न हुंडी डोनेशन ए सबर आय रहिछे ता छोटा लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन जो रहिछे इनकम फ्रॉम भक्त निवास जो रही है अन्य मिसलानियस रिसीप्ट गुड़िक रही है मुख्य खर्च भितर रही रथ सोर्स समुदाय आमर विभिन्न जगार क्वेरी रही प्राय 200 पाखापाखि क्वेरी अच्छी क्रसर मध्य किसी अच्छी से गुड़िक व्यतीत अन्न विभिन्न डोनेसन विभिन्न जगह आसूस भक्त नवास आय हो ता व्यतीत आमर खर्च रे वर्ष 262 कोटी टंका 16 लक्ष रखा जाए मुख्यतः स्नान यात्रा रथयात्रा श्रीमंदिर विभिन्न पर्वपर्वाणी रीतिनीति पाया सेवक मान जो तर प्राप्य प्रदान एवं विभिन्न भक्त नवास गुड़ी रही तार मेन्टेनान्स अपरेसन तापर सेवक वेलफेयर इत्यादि बहुत गुड़िया कार्यक्रम रही है वर्ष मुख्य खर्च रही दुईट गोटे गोटे कह डिटेल मुख्य रही चलित बर्ष सेवक आवास योजना गोटे प्रस्तुत करवक मान रही गुरुकूल जो प्रस्तुत करा ये दुईट मुख्य खर्च रही ता छड़ा सेवक आवास योजन 3.50 कोटी खर्च करा गुरुकूल योजन 5 कोटी टाँग खर्च करा छड़ा विभिन्न कल्चर पब्लिसिटी जगन्नाथ महिमा प्रचार प्रसार पर खर्च रखाई कर्पस फंड रे जो पचारे ए वर्ष तार डिपोजिट आम पाखापाखि 58 कोटी टकर रही मोटामोटी भाव में 262 कोटी खर्च होगापर आम पाखे प्राय 8.91 कोटी टकर बालान्स र एवं बजेट रे मध्य अनेक मूल्यवान मतामत विभिन्न कार्यकारी कमिटर सदस्य मान आसीला एमें जो क्वेरी और क्रसर जोड़ी अच्छी और राजभाग जो आय हुए से गुड़क वृद्धि करने पदक्षेप निगे और से गुड़ अनुमोदन करते आगामी वर्ष से खर्च को आय को कमी वृद्धि से पदक्षेप निपर यूनिफर्म पॉलिसी जो लैंड गुड़िक सेल कर व्यवस्था अच्छी से कार्यक्रम आगुरी एत त्वरान्वित हो पार ना चलित बर्ष आम किसी एक्सपीरियंस्ड एवं रिटायर्ड ओएस अफिसर मानू अमीन मान रखिकी से सेलटा लैंड सेलटा को आगे आक्टिवेशन होमें यूनिफर्म पॉलिसी रे आय अधिक वृद्धि करमी डोनेशन बॉक्स विभिन्न जगार मंदिर भितर और मंदिर बाहर विभिन्न जगह बसवाई मतामत आता गृहत कराई ता छड़ा आमर आय वृद्धिपी पेटीएम सहित गोटे आलोचना होती पेटीएम विभिन्न जगार स्कैन कोड्स क्यूआर कोड्स बसइबे जो थी मध्यम भक्त मैंने अफिस् को न आसिकी दान दे पारे से गुड़िक मुख्यतः आम भक्त नवास गुड़ाक रखा विभिन्न होटेल जोड़ा मेजर होटेल्स अच्छी पूरी सहर से रखा जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल आसूरी लगे छाड़ा विभिन्न इंपोर्टेंट प्लेसेस जोटी लोक मानक जनसमगम हुए आम सिंहद्वार जो अच्छी
ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଉ ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଆମର ଆୟ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅଧିକ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ନୀତି ଉପରେ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ସରିଯାଇଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କରାଯାଇଥିଲା ମିଟିଂଟା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକଟା ହେଲା ଏଇଟା ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହୁଛି ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଉଭା ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେ ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରଖାହୋଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ରହିଲା ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ହେଉ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ବାହାଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ସେଇଟା କେଉଁପଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେହି ଉପରେ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରି କାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁପଟେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯିବେ ଆସିବେ କାରଣ ଯେପଟେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭି ପଡ଼ିଥିବେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ତା'ର କିଛି କଟକଣା ନ କରାଯାଏ ନା ସେମାନେ ତ ଓବିସିସିରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଟାଟାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗଟା ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାହେତୁ ଇଏ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏସ୍ପି ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସରିଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ତାହାର ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ରୋଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଲୋକ ଛଡ଼ାଯିବ ସେଇଟା କେତେ ଦୂରୁ ଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ କେତେ ଦୂରୁ କେତେ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଟର୍ ରୋଡ଼୍ଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 6 meter ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଉଟର୍ ରୋଡ଼୍ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ରୋଡ଼୍ଗୁଡ଼ାକ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପାଳିଆ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ହିଁ କହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ବଜେଟ୍ରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇସାରିଛି ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ଏବଂ ସେବକ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବି ଯାହା ବଜେଟ୍ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ତୁରନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଚଳିତ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ନୂତନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ସେଇଟା କାମ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତାରି ଉପରେ